आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर में दबंगों का पुलिस से कोई भय नहीं है। बेखौफ दबंग ने उधार सामान ना देने पर एक दुकानदार युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करके पूरी तरह से घायल कर दिया है। डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घटना से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। पूरा मामला बलरामपुर जनपद के थाना ललिया क्षेत्र के अंतर्गत जोरावर डीह सिरिया का है, जहां पर राम सहाय ने बताया कि हमारा बेटा दीनानाथ यादव गांव के पूर्व शिवपुर रोड पर चाय और गुटखा का दुकान करता है। शुक्रवार समय लगभग 4 बजे संदीप पुत्र नियत राम दुकान पर आए और उधार सामान मांगने लगे। बेटे के मना करने पर दबंगई दिखाते हुए दुकान में तोड़फोड़ व गाली गलौज करने लगे। तभी संदीप ने फोन करके राजा पुत्र शोभाराम कुमारे पुत्र बेलभद्र को भी बुला लिया और बेटे पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से सर पर वार कर दिया, जिससे बेटे के सिर पर गंभीर चोटें आई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हम लोगों को देखकर बेटे को अधमरा छोड़कर यह सब भाग गए। अंततः फल में हम लोग नजदीकी अस्पताल CSC शिवपुरा ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल बलरामपुर के लिए रेफर कर दिया। अब जिला चिकित्सालय संयुक्त में इलाज चल रहा है। हमने लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले पर थाना प्रभारी निरीक्षक ललिया ने बताया कि दीनानाथ को गंभीर चोटें आई हैं, इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। तहरीर मिली है, छानबीन चल रही है, मेडिकल रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता प्रमोद पांडे की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मलकिन साहब। कहाँ के रहने वाली हैं? जवाहरडीह। अच्छा, जब ये घटना हो रहा था मार्केट, तब यही हम रहे साहब। क्या हुआ था, पूरी घटना बताएंगे? सवेरे से बताएंगे साहब। हाँ, क्या हुआ था? सवेरे हमारे सभी हमारे स्टूडेंट की मार हुआ था, लड़का हमारा आस्किन आ गया था, क्या क्या आस्किन आ गया, कई बार झगड़ा कब से शुरू हुआ था? सुबह से? हाँ, सवेरे से हम साहब झगड़ा भा है, तब उसके बाद मायन है सुनियन, तब आए हम कहें कहा भरे तुखिया फिर हो इलाज। हमने लड़का मारे चले, कहीं तुका मार आ रहा, तुका ये कई बार झगड़ा हो रहा था। क्या कारण था झगड़े का? संदीप तुका मारा हमें आगा दे, तो हम कहें की झगड़ा मारो का होता है आगा, कि तो तू लड़ी हम कि तो वो लड़ी है गाड़ी में का होत का है। तब हुआ सारे आए तो हमारे लड़का हुआ बैठा बाबती हमारे लड़का दुकान बैठा वही हुआ रे, वहां से दौड़े हैं वहां मारे तो भाग गए वहां, तब वही हम बचाओ गए हमारे बड़का लड़का वहां बचाओ गए दूर हम कुटाई भर दबो पटक नहीं दी, तब वहां बचाओ अपने हमने लकड़ी के कटे दबोटे रहे एक जने हसिया से मार दी ने मेरे लड़का सोन हसिया लाठी और हसिया से मारी तीन जने। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में? तो भाई बल्ला लेकर फिर सिपुर लेकर लाल से लेकर गया है। हाँ सर, वहाँ भैया बचाओ यार। कौन कौन थे इस घटने में शामिल? राम साहब, राम कुमार रहे, संदीप रहे और राजा रहे, ये सब है रहे। तो ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? जो डी के रहने हुए सुकुल हुए। क्या नाम है आपका? राम साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? जोरावड्डी। क्या मामला हुआ था आपके यहाँ? हमारे लड़का ने दुकान खोल रहा था, उन्होंने आया सब सामान जबरदस्ती पूरा। कौन कौन थे? संदीप, राम कुमार, राजा, नेतराम। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? जोरावड्डी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में राम कुमार हसिया लेते लड़के के हमारे सर में मार। क्यों मारने लगे? अरे वो उसने कहा मैंने सामान नहीं देंगे। उसके बाद में संदीप ने फोन करके ATF को सबको बुला के हमारे घर पे चढ़ाई करके हमारे लड़के को मारा, हमारा सामान तो फोड़ डाला सब। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हो गया, लड़का हमारा गिर गया, भाग के मैंने थाने पे गए। लड़का कहाँ है आपका इस समय? बलरामपुर पर। अच्छा, क्या गंभीर चोटें आईगा? जी। किससे मारा गया है? हसिया से। अच्छा, हसिया से, धार वाली हसिया। धार वाली हसिया से। हाँ, तो क्या स्थिति है इस समय? गंभीर स्थिति है। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस वालों को दी? जी। तो क्या कहा हम लोगों ने, कुछ बताया? अब कार्रवाई करेंगे पुलिस। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर
अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।